हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच सरकारी कंपनियां जो 10-10, 20-20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जिसमें आप पैसा लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा ये कंपनी। एंड ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट स्टॉक है एंड बहुत अच्छे स्टॉक है एंड गवर्नमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो अभी ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, सब लोग बेच के निकल रहे हैं, तो ऐसा ही मौका आपको बार बार नहीं आएगा खरीदने के लिए। उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। पाँच स्टॉक मैं बताने वाला हूँ और पाँचों सरकारी कंपनी है और पाँचों अभी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो अभी आपको इसमें बाय करके होल्ड करना चाहिए। और जब और ये ज़्यादा थोड़ा और नीचे आए तो और ज़्यादा इसमें क्वान्टिटी बाय करके होल्ड करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा यार कि हम कोरोना देखें, कोरोना में तो सारी कंपनियां नीचे चली गई थी, तब भी हमने उस उधर बाय करके और फिर उसके बाद प्रॉफिट बनाया। तो अभी ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसे ही मौके को आपको वेट करना चाहिए। तो अभी आपके पास मौका मिला है तो आप अभी बाय कर सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो। आने वाले समय में जब मार्केट रिकवर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड मैं बात करूँ जो कंपनी है, तो पहले कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो। एंड मैं बता दूँ, लास्ट वाला कंपनी जो है वो मेरा फेवरेट कंपनी है, क्योंकि उसमें मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा गिरे तो उसमें मैं पैसा खुद लगाऊँ उसमें, तो मेरा फेवरेट कंपनी है। वैसे तो ये सारे मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें पैसा लगाने पर मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी ये सरकारी कंपनी चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। एंड मैं बात करूँ ये स्टॉक के बारे में, तो अभी आप लोग देख सकते हो ये 15% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, 15.5% के डिस्काउंट पे मिल रहा है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये 279 रुपया है इसका सेल प्राइस एंड एक साल में रिटर्न भी देख सकते हो आप लोग, 59% का रिटर्न भी प्रोवाइड किया है। तो थोड़ा और बात करें तो मार्केट कैप के बारे में देख सकते हो, 3.64 लाख करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, 4.5% का डिविडेंड ईल्ड प्रोवाइड करता है हर साल एफडी के बराबर, तो ये तो वो प्रोवाइड कर देता है डिविडेंड ईल्ड 4.5% का एफडी 4% का डिविडेंड वो प्रोवाइड करता है, रिटर्न प्रोवाइड करता है। ये 4.5% का तो वो प्रोवाइड कर दे रहा है, क्या कहते हैं, डिविडेंट ईल्ड। और इन कंपनी का क्या नाम है मैं बताऊं, इधर आप लोग देख सकते हो, आपको पता भी होगा इसका, इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन करके कंपनी का नाम है। एंड मैं बात करूँ दूसरे कंपनी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो दूसरे कंपनी के बारे में, अभी ये कंपनी आपको कितने परसेंट के डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है एंड ये आपको एक साल के अंदर 97% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। एंड जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है 335 रुपया चल रहा है। एंड मैं बात करूँ मार्केट कैप के बारे में, तो ये 72,000 करोड़ रुपया इसका मार्केट कैप है। एंड एक चीज़ अभी आपने नोटिस किया, इसमें आपको कितने परसेंट का डिविडेंड ईल्ड प्रोवाइड हो रहा है, 6.26%, उसमें 4.254% का डिविडेंड ईल्ड प्रोवाइड हो रहा था, इसमें 6.26% का, इकरे माने आपको 10.5% से भी ज़्यादा डिविडेंड ईल्ड प्रोवाइड हो जाएगा एक साल के अंदर, 10.5% का रिटर्न तो ऐसे मिल जाएगा डिविडेंड से। तो ऐसे ही स्टॉक में आपको बाय करना पड़ेगा, ऐसे ही स्टॉक में आपको बाय करके होल्ड करना पड़ेगा। अभी ये स्टॉक आपको 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, जितने परसेंट के ये डिस्काउंट पे आपको मिले उतना ज़्यादा क्वांटिटी इन दोनों स्टॉक में बाय करना है। अभी तीन स्टॉक रिमेनिंग है, आपको तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब पता चलेगा 10% का रिटर्न, 10.5% का रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाएगा, चाहे ये कोई रिटर्न दे या न दे कंपनी। बट इधर देख सकते हो 57% का रिटर्न भी दिया एक साल के अंदर, तो कितना बेनिफिट है यार। जिनको डिविडेंड पे रिटायर होना है वो तो इन दोनों कंपनी में जरूर बाय करें। एंड मैं बात करूँ कंपनी का नाम क्या है, तो आप लोग ये देख सकते हो, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन करके ये कंपनी का नाम है, आपको पता ही होगा देश में, सारे देश में ये पेट्रोल प्रोवाइड करती है और बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। एंड मैं बात करूँ तीसरे कंपनी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो तीसरे कंपनी के बारे में, ये अभी आपको 10% के ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। एंड मैं बात करूँ इसमें थोड़ा फंडामेंटल के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो एक साल के अंदर 67% का रिटर्न दिया है। एंड शेयर प्राइस के बारे में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो 328 रुपया है शेयर प्राइस इस स्टॉक का। एंड मार्केट कैप के बारे में मैं बात करूँ तो इसका मार्केट कैप 3 लाख से भी ज़्यादा इसका तो मार्केट कैप है। एंड डिविडेंड यील्ड देखिए 3.5% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है, तो तीन कंपनी मिलकर ऑलमोस्ट 14% का डिविडेंड ही प्रोवाइड कर दिया। तो एक साल के अंदर 14% तो आपको ऐसे ही मिल जा रहा है, तीन कंपनी में यदि आप 1 लाख रुपये लगाएंगे तो एक साल में तो 14,000 रुपये तो आपको ऐसे मिल जा रहा है। यदि आप 10 लाख लगा दिए, यदि आप अमीर हैं थोड़ा बहुत, तो यदि आप 10 लाख लगा देंगे तो 1,40,000 तो वैसे ही मिल जा रहा है। खाली डिविडेंड से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जब ये स्टॉक नीचे गिरे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ये स्टॉक बाय कर लेना है और भूल जाना है, आपको डिविडेंड आता रहेगा और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहेगा, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहेगा। तो ऐसे ही स्टॉक को आपको फाइंड करना पड़ेगा भाई साहब, और ये सब उसी स्टॉक में मिलता है जो सरकारी कंपनी होती है, गवर्नमेंटेड कंपनी में ही ये सब बेनिफिट मिलता है। मैं इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाता हूँ यार, आप सब रहते कहाँ, इस वीडियो को इसी बात पर लाइक करके शेयर करो फटाफट। एंड मैं बात करूँ चौथे स्टॉक के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो
ये भी 1 साल के अंदर, अभी मैं बोलूँ कितने परसेंट के डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आप लोग देख सकते हो, ये 23% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, 23% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड 1 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया था वो आप लोग देख सकते हो, 82% का रिटर्न भी प्रोवाइड कर दिया। एंड जो शेयर प्राइस चल रहा है ये अभी, ये 438 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। एंड फिर मैं बात करूँ, ये देखिए डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 3% इसमें डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है। एंड मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 1.45 लाख करोड़, तो पहला कंपनी ने प्रोवाइड किया अभी तक का 14% का डिविडेंड यील्ड हमें सबको मिल चुका था, और अभी इसमें ऐड कर दो 3% का डिविडेंड, तो 17% का डिविडेंड यील्ड ऐसे मिल गया कि आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 17,000 रुपया तो वैसे मिल गया। चाहे कंपनी रिटर्न कुछ बनाए या ना बनाए, कंपनी रिटर्न दे या ना दे, आपको 17,000 रुपया वैसे आपके खाते में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यार कितना अच्छा है, बिना कुछ किए 17,000 रुपया आप ले जा रहे हो। अभी तो 1 शेयर बाकी है, अभी मैंने 4 ही शेयर आपको बताया है। एंड ये अभी आपको उस कितना परसेंट के डिस्काउंट पे मिल रहा है, 23% के ना, हाँ 23% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड मैं बात करूँ शेयर का नाम क्या है, स्टॉक का नाम क्या है, तो आपको ये पता भी होगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके है। भारत के लोग इस पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया जितना ज़्यादा ग्रो होगा इसमें और ज़्यादा पैसा लगेगा, और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एंड मैं बात करूँ लास्ट वाले स्टॉक को, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हो तो इसका शेयर प्राइस है, आप लोग देख सकते हो 144 रुपया इसका शेयर प्राइस है। एंड 1 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है 103% का रिटर्न प्रोवाइड किया, ये सब अच्छा है 1 साल के अंदर। बट ये अभी हमें 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा कि 33% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, और ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा और ज़्यादा मैं बाय करूँगा। एंड जो मार्केट कैप है इसका देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, आप दो लाख के आसपास मान सकते हो, 2 लाख करोड़ के आसपास आप मान सकते हो, और 17% तक हम डिविडेंड ईल्ड प्रोवाइड कर चुके थे, और 1% और ऐड कर लो 18% का डिविडेंड। आप कुछ मत करो, 1 लाख रुपया लगा दोगे 18% का रिटर्न वैसे मिल जाएगा आपको बिना कुछ किए। और आपको पता है जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको केवल 20% का रिटर्न मिला है 1 साल के अंदर, मिलता है रोज हर साल आपको बिना कुछ किए बिना कुछ दिमाग लगाए 18% का रिटर्न तो वैसे मिल जा रहा है डिविडेंड से। केवल आपको करना क्या है, ये 5 सरकारी कंपनी है, इसमें जब भी आपको डिस्काउंट में ये स्टॉक मिले केवल बाय करके छोड़ देना है, केवल बाय करके छोड़ देना है। वो रिटर्न जो स्टॉक रिटर्न देगा उसका बात तो छोड़ो, खाली डिविडेंड यील्ड से 18% आपको मिलेगा। एंड जो बाउंड वीक में हाई बनाया था वो 229% का, एंड बाउंड वीक में जो लो बनाया था वो 65% का लो बनाया था। तो भाई इस करेक्शन का फ़ायदा उठाओ, ये गिरावट का फ़ायदा उठाओ, और ऐसे स्टॉक में पैसा लगाओ, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा भाई लोग। एंड मैं बात करूँ जो इस कंपनी का नाम क्या है, ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और ये सारे स्टॉक बहुत बेस्ट हैं, और ये सभी स्टॉक 20% से भी CGR से ग्रोथ हो रहा है इनमें, और 20% से प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यार, आपको तो 18% का रिटर्न बिना कुछ करे आपको मिल जा रहा है, तो क्या चाहिए भविष्य लाइफ में, क्या चाहिए 18% का रिटर्न मुझे मिल जाए ना भाई साहब बिना कुछ किए, तो मैं वैसे सोने का सुहागा हो जाऊँ, 5 साल में हर 5 साल में पैसा डबल, तो बस और क्या चाहिए। 10 लाख लगाओ 5 साल बाद 20 लाख, एंड 10 साल के बाद आपका पैसा 40 लाख, तो और क्या चाहिए। ऐसे ही भाई ऐसे ही पैसा बनते हैं, और प्लस जो ये स्टॉक जो भागेगा, ये जो रिटर्न देगा उसका बात ही अलग है कुछ डिविडेंड से खाली। आप तो चाहो तो इसी 5-5 शेयर में पैसा लगा के और रिटायर भी हो सकते हो भाई, 18% का हर साल आपको मिलेगा, 18% मान लिया आप पैसा लगा दो इसमें, और फिर उसके बाद 18% पा रहे हो, आपको क्या चाहिए। तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा फर्दर रिसर्च कर लेना अपनी तरफ से भी।